हेलो एंड नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का बीटीसी दाना के मार्केट पॉडकास्ट में। मैं हूं विशाखा कुंद्रा और आज है मंगलवार, तारीख 29 मार्च 2022। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मार्केट अपडेट्स। जीएमडी 5:30 पर मंगलवार के मार्केट अपडेट्स। 11:30 पर जर्मनी के लिए अप्रैल में जीएफ के उपभोक्ता विश्वास। 12:15 पर फ्रांस के लिए मार्च में उपभोक्ता का विश्वास। 14 पर यूके के लिए दो अपडेट्स, फरवरी में बंधक ऋण और अनुमोदन, साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड उपभोक्ता ऋण। 18:30 पर यूएस के लिए जनवरी में वार्षिक एसएनपी और के शिलर होम मूल्य। 19:30 पर यूएस के लिए दो अपडेट्स, मार्च में सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और जॉल्स फरवरी में नौकरी के उद्घाटन। अगले दिन 2:00 यूएस के लिए एक और अपडेट, 25 मार्च के सप्ताह में एपीआई क्रूड ऑयल स्टॉक में बदलाव। अगले दिन 5:20 पर जापान के लिए फरवरी में वार्षिक खुदरा बिक्री। और अब बारी है जानने की, जर्मनी जीएफ की उपभोक्ता जलवायु या विश्वास महत्वपूर्ण क्यों है। जीएफ की जर्मन उपभोक्ता जलवायु सूचकांक आर्थिक गतिविधि में उपभोक्ता विश्वास के स्तर को मापता है। डेटा लगभग 2000 उपभोक्ताओं के एक सर्वेक्षण से संकलित किया गया है, जो उत्तरदाताओं को अतीत और भविष्य की आर्थिक स्थितियों के सापेक्ष स्तर को रेट करने में मदद करता है। अपेक्षा से अधिक होने पर ईयूआर के लिए सकारात्मक या बुलिश के रूप में लिया जाना चाहिए, जबकि अपेक्षा से कम होने पर रीडिंग को ईयूआर के लिए नकारात्मक या मंदी के रूप में लिया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और साथ ही फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर पेज पर, जहां आपको मिलेगी ट्रेडिंग से जुड़ी हर जानकारी। सो गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।